जिस टॉपिक पे आज आपसे बात हो रही है वो अनुमान है ड्रग एडिक्शन, व्हाई इट इज टाइम टू एक्ट। आखिर इस नशे की लत को इसका सजबात करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगी। जहां तक ड्रग एडिक्शन का ताल्लुक है, इसकी टेक्निकल वजाहत के लिए यहां डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अगर हम देखें, मुझे याद आया, हम सब चीजें दूसरों पर थोप देते हैं। एक शायर ने क्या खूब कहा है, हैसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, कारी बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। ये काम हम खुद करते हैं, गलत काम हम खुद करते हैं। सबसे पहली चीज है कि समाज में ये जो नशा है, इसमें शक नहीं है कि यूरोप में ये ज्यादा है, इसमें शक नहीं है कि अमेरिका में है, हमें उसके साथ कोई सरोकार नहीं। इसमें शक नहीं है कि अफगानिस्तान में पैदावार हो रही है, हमें उसके साथ कोई सरोकार नहीं। म्यांमार में हो रहा है, लेकिन हम जनूबी कश्मीर में आज तक कौमी शाहरा पर बंग की काश खत्म करने में कामयाब नहीं हुए। हमने बंग और चरस के पौधों को नहीं हटाया, और हम ही वो लोग हैं जो तबलीग करते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि ये बंग और चरस इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन हमारी नेशनल हाईवे पर इस वक्त भी देशभाड़ा के मुकाम जितने भी वहाँ इलाके आते हैं उसमें ये मौजूद है। हमें खुद कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने जो भी हो जाए, चोरी हो जाए, कोई चरस पिए, कोई बंग की काश करे, कोई खशखाश की काश करे, उसके बाद हम फरियाद लेकर पुलिस के पास जाते हैं। अरे पुलिस करे तो कितना काम करे, उन पर कितना काम छोड़े हम। क्या हमें अपना इसरा नहीं आता? क्या हमारे ये मौलवी साहिबा खाली जन्नत और जहन्नम दिखाने के लिए है? क्या उन्हें ये नहीं बताना है? क्या उन्हें समाज में ये अमली काम नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे वालिदैन अभी बेदार नहीं है? क्या हमारे वालिदैन में होशियारी नहीं है? क्या हमारा सुकून, हमारी मायूसी कैसे दूर हो सकती है? हमें सुकून कैसे मिल सकता है? हमारी जिंदगी कैसे खुशहाल बन सकती है? अगर इसके लिए हम आगे आए, हम अपने बच्चों को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इस नशे से निजात पाएंगे। मैं दिल से सलाम करती हूँ आप सब यहाँ पे आए इस प्रोग्राम के लिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम बोल रहे हैं चरस गांजा बाकी, मतलब अगर हमारे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं इसके। पुलिस कितना पीछे पीछे रहेगी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सरकार में कौन लोग बैठे हैं, वो भी इंसान ही है, वो भी हम जैसे इंसान है। सरकार आप लोग हैं, सरकार हम लोग हैं, ठीक है। तो हम नहीं, जो नदियों पे है, नालों पे है, हमारे घरों के दाएं बाएं जो चरस है, जो भांग है, हम खुद नहीं काट सकते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो खुद जिम्मेवारी नहीं ले सकते, तो पुलिस क्या करेगी? वरना ये ड्रग्स का बिदत कब का खत्म हो चुका होता है, मुझे रोना आ रहा है। एक लड़का था, फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, ओवरडोज हो गया ड्रग का, तो खात्मा हो गया जिंदगी का। और एक बिदत है, अब बच्चे को लत लग जाती है, ये स्कूल से जाता है, मेरी आंखों ने देखा है, लड़के लड़कियां स्कूलों से ट्यूशन सेंटर से रोना आता है मुझे, जब भी मैं उन बच्चों को देखती हूँ हुक्का पीते हुए रोना आता है। लेकिन इसके जिम्मेवार वो बच्चे नहीं है, कौन है इसका जिम्मेवार? उसके जिम्मेवार पेरेंट्स भी है, क्योंकि हम लोगों के पेरेंट्स जो है, जो हम पेरेंट्स हैं, हम लोग बिजी रहे हैं बड़े बड़े बंगले बनाने में, हम लोग बड़े बड़े एसेट्स तैयार करने में लगे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं हम? वो एसेट्स किस लिए है जो आपके बच्चे को बर्बाद करे, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को तबाह करे? वो एसेट, वो प्रॉपर्टी किस लिए है? मैं बोल रही हूँ, क्या उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू है? है कोई वैल्यू? बताएं आप बताएं मेरे बच्चों, कोई वैल्यू है उस प्रॉपर्टी?
अगर हमारी नौजवान नस्लें तबाह होती हैं, तो वो प्रॉपर्टी किस काम की है? ड्रग्स यहाँ पर ही नहीं है, जापान में है, यूएसए में है, और वहां से जो सप्लाई होता है वो मास्को से सप्लाई होता है, और यहाँ पे जो सप्लाई होता है इसका ज्यादा कल्टीवेशन अफगानिस्तान में होता है। यहाँ भी बराबर आजकल जैसे तंबाकू, शीशा वगैरह, सिगरेट, बाकी नशे करते हैं, वैसे लड़कियां भी कर रही हैं। मेरी बेटियों की ये जिम्मेवारी आयद होती है, हम उन लड़कियों को रोक सकते हैं जो अभी ड्रग्स में मुब्तिला हो रही है। बस हम सब एक वादा करते हैं आज कि एक दूसरे का साथ देंगे, हम इस बिद्दत को खत्म करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कश्मीर प्लस ऑनलाइन न्यूज पोर्टल। ये ड्रग अब्यूज जो बेसिकली ये इशू है, ये इसका वाइड पर्सपेक्टिव है। बेसिकली ड्रग अब्यूज होता क्या है? इट्स ए क्रॉनिक ब्रेन डिजीज। इसमें जो भी इसमें मुब्तला रहता है उसको बिहेवियरल चेंज्स आती हैं, उसमें तरह तरह की ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिसके जरिए वो समाज से कटा हुआ रहता है।